सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज़ गौरव कुमार, यू आर वॉचिंग एक और लाइव। सो फ्रेंड्स, आज का न्यूज़ थोड़ा बैड न्यूज़ है। जो मेरे इस टैंक में एक गोल्ड फिश था, जो मेरा बिग वाले गोल्ड फिश थे, वो अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया। और डेथ होने का रीज़न भी मेरे वजह से ही है, क्योंकि मैंने अपने पंप को जो है, मेरा पंप ये ख़राब हो चुका था और मैं इसे रिप्लेस नहीं किया था। तो हुआ क्या, मेरा पंप ऑटोमेटिक ये बंद हो गया। और बंद होने की वजह से क्या हुआ, इसमें से किसी भी तरीके से बबल नहीं आ रहे थे और ये पूरे एक्वेरियम के नीचे बैठा हुआ था। सो जब मैं आया तो मैंने पंप को सही से ऑन किया। जब ऑन किया तो देखा ये फिशेज थोड़े जिंदे थे, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया इसे ऑक्सीजन देने के, ऑक्सीजन के पास ले गया, फिर भी ये जिंदा नहीं हुआ। सो मैं आप लोग को बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं एक्वेरियम का, तो उसे ज़रूर रिप्लेस कर दे या चेंज कर दे, रिस्क ना ले, जिसके वजह से आज मेरा इस फिश का ये हुआ है। क्योंकि ये मेरा सबसे अच्छा वाला फिश था और इसकी डेथ हो चुका है। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था इस फिश को देख करके, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस फिश के मरने का वजह मैं हूँ। सो अगर आप एक ट्रू एक्वेरियम हॉबीस्ट है और ट्रू फिश लवर है, तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है एक्वेरियम का, जैसे कि हीटर या पंप या फिल्टर कुछ भी, तो उसे चेंज कर दे, रिस्क ना लें। क्योंकि रिस्क ले रहे इसका मतलब वो फीचर्स के लाइफ के साथ आप रिस्क ले रहे हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके सारे कंपोनेंट एक्वेरियम के सारे इक्विपमेंट सही से वर्क कर रहे हैं। सो आज मुझे इस वीडियो के बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखें, क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपके फिश के साथ भी हो।